2005 में तैयार की थी देवी और सज्जनों। चमन तन है वतन है वतन जान मन मेरा मन मेरा देश मेरा ये वतन श
शांति का उन्नति का प्यार का चमन। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सम्मानित वीर सैनिकों, हमारे अजीज वेटरन्स और पुलिस बल के शहीदों के परिवार, तथा सिविल प्रशासन की तरफ से पधारे सीनियर अधिकारीगण तथा अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि इस विजय दिवस के इस पावन समारोह में, इसके माध्यम से मुझे आप सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस बलिदान स्तंभ की नींव, जैसे कि आपको पता है, 6 जनवरी 2005 को राज्य सरकार द्वारा रखी गई थी और इसका पूरा करने में भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई है। ये स्तंभ जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस बलों के उन वीर जवानों की याद में समर्पित किया गया है जिन्होंने देश के सम्मान और अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 16 दिसंबर ये दिवस भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज ही के दिन हमारी सेना और पूरे भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर बांग्लादेश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी, तथा पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। हमारे सैनिकों ने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और साथ ही मैं तो नमन करता हूँ उन शहीदों को, उन वीरांगनाओं को और उन माताओं पिताओं को जिन्होंने ऐसे वीर बहादुरों को जन्म दिया, जिन्होंने तिरंगे की शान और अपने देश की आन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हमारा देश सुरक्षा के अलग अलग मोर्चों में लड़ रहा है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी खतरा, दोनों ही स्तरों पर हमारे जांबाज और बहादुर जवान दुश्मन के नाबाक इरादों को विफल करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज मैं पूर्ण विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं कि हमारी सेना और पुलिस बल हर प्रकार के खतरों से निपटने में सक्षम है, तथा दुश्मन की हर हरकत का उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। आज हमारे बीच हमारे कुछ बहादुर साथियों के परिजन भी मौजूद हैं जिनके संबंधियों ने अदम्य साहस, असाधारण शौर्य तथा भारतीय सर्वोच्च परंपराओं के अनुसार राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं इनके परिवारजनों को इस मौके पर उपस्थित रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देंगे। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन करने के लिए इस बलिदान स्मारक में भारी संख्या में पहुंचने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, तथा इस समारोह को सफलतापूर्व आयोजन करने के लिए सेना के सभी रैंक्स, सिविल प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भव्य समारोह। Colonel Rajinder Singh mentioned in dispatch.
हेलो श्रीमती मोहिंदर कौर धर्मपत्नी सूबेदार लाल सिंह श्रीमती बिमला देवी धर्मपत्नी सिपाही जनक सिंह कि वह हमारे विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। इस कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एवं कश्मीर श्री और अब मैं बुलाना चाहूंगी एयरफोर्स से एयर कमांडर जीएस भल्लर